गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए क्लास सिक्स सब्जेक्ट हमारा मैथ, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं अभियान 2.3 का, ठीक है। जिसमें हमारा प्रश्न था, देखिए 7 प्रश्न कल हम कर लिए थे, 7 प्रश्न हम रिवीजन कल कर लिए थे अभियान 2.3 का। आज हमारा 8वां प्रश्न, तो 8वां प्रश्न सभी लोग देखेंगे क्या है। कह रहा कि एक नगर की जनसंख्या 70,000 थी, सैकड़ा हजार, 10,000, 70,000 थी। किसी वर्ष इस जनसंख्या में नए बच्चों का जन्म हुआ और यह 4,769 और बढ़ गई। मतलब एक साल ऐसा हुआ कि बच्चे पैदा हुए जिससे कि 4,767 और उसमें बढ़ गए। फिर कह रहा है कि उसी में 7,389 लोग मरने और शहर छोड़ने के कारण कम हो गए। कुछ लोग क्या हुआ, मरे भी और कुछ लोग शहर छोड़कर चले गए, तो 7,389 लोग कम हो गए। उस वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी थी, उस वर्ष के अंत में आपको बताना है कि नगर की जनसंख्या कितनी थी। कह रहा है कि उस वर्ष पूरी जनसंख्या उस नगर की थी 70,000, ठीक है, 70,000 थी। और बच्चों का जन्म हुआ तो 4,769 और उसमें बढ़ गए, तो क्या हो जाएगा, अब जनसंख्या कितनी हो गई, 70,000 पहले थी, उसमें हम क्या करेंगे 4,769 को जोड़ देंगे। और फिर कह रहा है कि और बढ़ गई, उसी में 7,389 लोग क्या हुआ, कुछ मर गए और कुछ शहर छोड़कर चले गए, तो इतना कम हो गए। तो उस वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी थी, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आसान है। प्रश्न नंबर 8, पहले है क्या दिया कि नगर की कुल जनसंख्या, नगर की कुल जनसंख्या बराबर दिया है में नगर
67,380 लोग वहाँ पर बचे हैं। उत्तर मिला लीजिएगा आप। 2.3 का आठवां प्रश्न है, ठीक है। देखिए एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं, आदमी बच्चे बूढ़े सब मिलाकर रहते हैं 70,000 लोग, ठीक है। फिर कह रहा है कि नए बच्चे की जन्म से बड़ी संख्या, वहाँ पे हर साल बच्चे पैदा होते हैं और हर साल कोई ना कोई मरता भी है, तो नए बच्चों की जन्म से जनसंख्या बढ़ गई और वहाँ पे कितने बच्चे जन्म लिए हैं, 4,769 बच्चे जन्म लिए, तो कुल जनसंख्या बड़ी जनसंख्या कितनी हो गई, 70,000 में हमने इसको जोड़ दिया तो हो गया आपका 74,769। जनसंख्या वहां की है, देख लीजिए। हो गया, मिटा दे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9। देखिए 9 प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गोदाम में 5,264 कुंतल आलू था, एक गोदाम में 5,264 कुंतल आलू था, पहले सप्ताह में 1,765 कुंतल और दूसरे सप्ताह में 1,862 कुंतल आलू बिक गया, ठीक है। आलू का गोदाम है जिसमें आलू रखा गया है, कुल आलू है 5,264 कुंतल और आलू बिक भी रहे हैं, तो एक सप्ताह में पहले सप्ताह में बिकता है 1,765 कुंतल आलू, दूसरे सप्ताह में 1,862 कुंतल। तो कह रहा है कि आलू बिक गया, अब गोदाम में कितना आलू शेष रहा, मतलब कि दोनों सप्ताह में मिलाकर हम पहले निकालेंगे कि कितना आलू बिका, एक सप्ताह में कितना बिका और दूसरे सप्ताह में कितना बिका, और फिर जितना आलू बिका है उसको क्या करेंगे, हम जितना पूरा आलू गोदाम में है उसको उसमें से घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितना आलू बचा है। तो देखिए पहले क्या दिया है, एक गोदाम में कितना आलू था, तो गोदाम में पहले
Gracias.
हो गया सबका, मिटा दें। आगे देखिए, मतलब छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है और छह अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, अंतर निकालना है, तो दोनों का क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो देखिए आसान प्रश्न है, छह अंकों की सबसे बड़ी हो गया, लगा लिया। चलिए ये अभ्यास हमारा खत्म हो गया। अब देखिए आगे हमारा अभ्यास 2.4, उसको पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक उसका पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। गुणा के गुण धर्म दिया हुआ है हमने, योग का गुणधर्म और व्यकलन मतलब घटाना का गुणधर्म भी पढ़ा था, यहाँ पे अब गुणा का गुणधर्म दिया हुआ है कि गुणा के क्या गुण है। गुणा का गुणधर्म दिया है, देखिए
कि गुणन एक पुनरावृत्त योग की प्रक्रिया है। हम कुछ उदाहरणों से विचार करेंगे, जैसे कह रहा कि जो गुणा है अब बार बार जो हम जोड़ते हैं वो भी क्या है, एक गुणा के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। जैसे दिया है कि 3 × 3 × 3 × 3, देखिए 1, 2, 3, 4 कितनी बार, 3 है, 4 बार, और इसको हम लिख सकते हैं कि 3 × 4 = 12 होगा। और इसको आप जोड़े तो 3 × 6 = 12, 3 × 6 = 6, 3 × 6 = 6, 6 × 9 = 12। इस तरह से हो सकता है इसे। फिर है कि गुणा का पहला गुण इसमें है कि गुणा का समवर्त प्रगुण। पहला गुण हम देखेंगे गुणा का समवर्त प्रगुण, जो हम धन में करते हैं वही सब मिलेगा ना। तो पहला है गुणा का समवर्त प्रगुण। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणन भी एक पूर्ण संख्या होती है। किन्हीं दो संख्याओं पूर्ण संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो जो गुणन फल आता है वो भी क्या होगा, पूर्ण संख्या ही होगा। जैसे हम 12 × 2 = 12 × 24, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या है। ये क्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। जो ये गुणा क्या होता है, पूर्ण संख्या ही होता है। यही है गुणा का समवर्त प्रगुण, कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पे जो गुणनफल आएगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। फिर है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरा है गुणा का क्रम Thank you.
करा किसी पूर्ण संख्या तथा एक का गुणन सदैव स्वयं पूर्ण संख्या होती है। करा किसी पूर्ण संख्या तथा एक का गुणन, मतलब किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम एक का गुणा करते हैं तो हमें स्वयं वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कोई भी पूर्ण संख्या मान लीजिए 20 हुए, 20 क्या है पूर्ण संख्या, इसका हम एक का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 20 ही मिलेगा। तो किसी भी पूर्ण संख्या का अगर हम एक में गुणा करते हैं तो स्वयं वही पूर्ण संख्या मिलती है। एक में गुणा करने पर स्वयं वही पूर्ण संख्या मिलेगी। ये है एक गुणा का प्रथमांक प्रयोग। फिर है पांचवा गुणा का शून्य विशेषता। गुणा का शून्य विशेषता, देखिए ये क्या है, कह रहा कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। यदि पूर्ण संख्या पद्धति में जीरो, पूर्ण संख्या पद्धति में जीरो ही एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो सदा गुण दर्शाता है। मतलब कि यदि किसी भी पूर्ण संख्या में, चाहे वो पूर्ण संख्या कितना ही बड़ा क्यों न हो और कितने भी अंक का हो, कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसमें हम यदि जीरो का गुणा कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम जीरो का गुणा कर देते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम जीरो का गुणा कर देते हैं तो वो पूरी संख्या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि है आपका ये मान लीजिए बहुत बड़ी, अब इससे भी बड़ी संख्या आपने सुनी होगी, 22,000, 10,000, 1,00,000, 1,024। ठीक है, ये कोई पूर्ण संख्या है, इसमें यदि हम पूरा कर दें जीरो का गुणा कर रहे हैं, जीरो ही होगा। आप कितना भी बड़ा पूर्ण संख्या लीजिए, यदि आप जीरो का उसमें गुणा कर रहे हैं तो पूरा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ विशेषता बताता है, यहाँ पे शून्य जो है अपनी विशेषता बता रहा है। शून्य का किसी भी पूर्ण संख्या में हम गुणा करते हैं तो वो पूर्ण संख्या शून्य ही हो जाती है। फिर है कि योग का गुणन का वितरण नियम। अगला है ऊपर से मिटा दे, ठीक है, अगला ऊपर से मिटा दे रहे हैं। योग पर गुणन का वितरण नियम, योग पर गुणन का वितरण नियम, देखिए ये कह रहा है कि अब हम एक ऐसी विशेषता का अध्ययन करेंगे जिसमें योग तथा गुणा दोनों संक्रियाएं प्रयोग में लाई गई हैं। मतलब कि कह रहा है कि कोई पूर्ण संख्या का गुणा दो पूर्ण संख्याओं के योग में किया जा रहा है, ठीक है, और वो बराबर होगा क्या, अब इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन में बी प्लस सी है तो ये हो जाएगा ए गुणे एक बार गुणा इसमें हो जाएगा, एक बार इसका गुणा इसमें हो जाएगा, और प्लस है कुछ तो यहाँ प्लस रहेगा, ये हो जाएगा ए गुणे सी, ए गुणे बी और ए गुणे सी प्लस में। और इसी तरह हमें अपलन घटाना चाहिए, यदि a गुणे b माइनस सी रहेगा तो गुणा ही रहेगा, a गुणे b केवल माइनस हो जाएगा a गुणे c, a गुणे b माइनस a गुणे c। इस तरह से ये आपका प्रमुख सात प्रमुख है, ये छठवां था और ये सातवां था। ये योग पर गुणन का वितरण नियम था, ये घटाना घटाव पर गुणन का वितरण नियम है, ये लास्ट वाला घटाव पर गुणन का वितरण नियम है। ठीक है, ये हमने इसका थोड़ा सा जो बेसिक दिया हुआ था गुणा के प्रगुण वो पढ़ लिया है। अब इससे जो सवाल नीचे बन रहे हैं उसको हम अगले वीडियो में कल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो अपना पूरी तरह से एकदम रिवीजन के साथ, उनको अब रिवीजन का समय नहीं है, नोट्स बनाएंगे।